हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आप सबका सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको वो टॉप 25 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, एक एक जीव के संपूर्ण संजीन सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव था। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं इसका कौन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है यीस्ट, ऑप्शन बी है मानव, और ऑप्शन सी है रंजकहीन मूषक, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, प्लाज्मोडियम। इसके बाद कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गाजर, ऑप्शन बी है शकरकंद, ऑप्शन सी है नारियल और ऑप्शन डी है आलू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आलू है। आलू जो है कि वो रूपांतरित स्तंभ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनएच में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। तो व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनको अपनी कोशिकाओं में डीएनएच में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है रंगरेज द रंगसाज, ऑप्शन सी है एक्सरे तकनीतिज्ञ और ऑप्शन डी है कार्बन 14 का समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सरे तकनीतिज्ञ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो, कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बोरान, ऑप्शन ए है बोरान और ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है ताम्र। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम। सोडियम अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, जो कि पौधों के लिए पोषक नहीं है वो है सोडियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हार्ट सर्जरी, ऑप्शन बी है गुर्दा प्रत्यारोपण और ऑप्शन सी है कुल्हे का प्रतिस्थापन और ऑप्शन डी है रुधिर आदान। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, ये कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन सही आंसर होगा। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये सब। और विज्ञान के किस क्षेत्रों में से किस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया था। विज्ञान के किस क्षेत्रों में से किस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं, औषधि, ऑप्शन बी जो है कृषि, ऑप्शन सी है परमाणु भौतिकी और ऑप्शन डी है अंतरिक्ष अनुसंधान। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कृषि। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़के या उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रेनलिन और ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एड्रेनलिन। इसके बाद एड्रेनलिन जो है वो उड़ो या लड़के हार्मोन कहलाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, तो ऑप्शन ए है निम्न रक्तचाप, ऑप्शन बी है गुर्दा क्षति तथा पेशी लकवा, ऑप्शन सी है रक्ताल्पता और ऑप्शन डी है जोड़ों का दर्द तथा धूमिल दृष्टि। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्न रक्तचाप। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो किसमें है, तो जल चक्र में, ऑप्शन बी कार्बन चक्र में, ऑप्शन सी ऑक्सीजन चक्र में और ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा जल चक्र में, सौर ऊर्जा की सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जा सकता है। तो क्या नहीं पाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ट्रांसजीनी फसलों का उत्पादन, ऑप्शन बी कृत्रिम
क्लोनीकृत जीवों का उत्पादन, और ऑप्शन सी जो है वो खाने योग्य टीकों का उत्पादन, और ऑप्शन डी जो है जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का उत्पादन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोनीकृत जीवों का उत्पादन। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और आगे चलिए देखते हैं, और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि ये मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृमि औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, क्लोरोक्विन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटीन। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोक्विन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल क्रीमी से होने वाला रोग है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, फाइलेरिया, ऑप्शन बी है कुष्ठ, ऑप्शन सी है फ्लोरेसिस, और ऑप्शन डी है इनसेफलाइट्स। तो इसका सही आंसर जो होगा वो फाइलेरिया हो जाएगा, गोल क्रीमी से होने वाला रोग फाइलेरिया होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो मनुष्य जातियों का उन्नति आनुवंशिकी के नियमों का प्रयोग कर किया जाता है, तो इसका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा से करते हैं, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यूजीनिक्स और यूफेनिक्स, ऑप्शन सी जो है यूथेनिक्स, ऑप्शन डी जो है जेनेटिक्स। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, यूजेनिक्स हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए ये सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी है एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी है एक्सोबायोलॉजी, और ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो किसका अध्ययन करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत, ऑप्शन ए है जीवाणुओं का, ऑप्शन बी है विषाणुओं का, ऑप्शन सी है कवकों का, और ऑप्शन डी है सभी का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर सभी का। माइक्रोबायोलॉजी में जीवाणुओं का, विषाणुओं का और कवकों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन जैव प्रौद्योगिकी की उत्पाद नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए है चमड़ा, ऑप्शन बी है पनीर, और ऑप्शन सी है सिरका, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। किस हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज इनसिपिड रोग होता है, तो डायबिटीज रोग किसके कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है ये इंसुलिन, और ऑप्शन बी है ADH, और ऑप्शन सी है ग्लूकोजोन, और ऑप्शन डी है पेप्सिन। तो आप लोग जानते ही हैं कि डायबिटीज का जो है वो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज की बीमारी होती है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है डायबिटीज इनसिपिड्स रोग, तो ये ADH की कमी के कारण होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो डायबिटीज मेलिटस के रक्त शर्करा की मात्रा हो जाती है, तो डायबिटीज मेलिटस में रक्त की शर्करा की मात्रा कितनी हो जाती है, तो इसका ऑप्शन जो है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 100 मिलीग्राम से अधिक, ऑप्शन बी है 100 मिलीग्राम से कम, ऑप्शन सी है 100 मिलीग्राम के लगभग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 100 मिलीग्राम से अधिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, ऑप्शन ए है नलिका विहीन, और ऑप्शन बी है नलिका युक्त, ऑप्शन सी है दोनों एक और दो, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो नलिका विहीन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद एंजाइम का निर्माण होता है, अगला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एंजाइम का निर्माण होता है प्रोटीन, ऑप्शन देख लेते हैं इसका, प्रोटीन से, ऑप्शन बी है कोलेस्ट्रॉल से,
और ऑप्शन इसका सी है फैट से, और ऑप्शन डी है एक और दो दोनों से। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर एक ए हो जाएगा, प्रोटीन से एंजाइम का निर्माण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंडोक्रिनोलॉजी को पिता कहे जाते हैं, तो किसके पिता कहे जाते हैं? तो ए डार्विन, एंडोक्रिनोलॉजी के पिता कहे जाते हैं। तो एंडोक्रिनोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डार्विन का, ऑप्शन बी है लैमार्क को, ऑप्शन सी है थॉमस एडिसन को, और ऑप्शन डी है खुराना को। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि थॉमस एडिसन को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ऑप्शन एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की मात्रा निकलती है, तो कितना एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से ऊर्जा की मात्रा निकलती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 4 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है 9 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 6 किलो कैलोरी, और ऑप्शन डी है 5 किलो कैलोरी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है 4 किलो कैलोरी, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की मात्रा निकलती है। इसके बाद अगला देखते हैं। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन होता है, तो कहाँ होता है मनुष्य में सेलुलोज का पाचन? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बड़ी आंत में, ऑप्शन बी है छोटी आंत में, ऑप्शन सी है यकृत में, और ऑप्शन डी है मनुष्य में यह पाचन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनुष्य में यह पाचन नहीं होता है। इसके बाद लैक्टोज का पाचन होता है, तो लैक्टोज का पाचन होता है किसमें होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है छोटी आंत में, ऑप्शन बी है बड़ी आंत में, ऑप्शन सी है यकृत में, और ऑप्शन डी है अमाशय में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा छोटी आंत में, लैक्टोज का पाचन छोटी आंत में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो, पहला प्रोटीन जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया है वो क्या था? तो पहला प्रोटीन क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है जीन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, और ऑप्शन सी है ग्लाइकोजेन, और ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंसुलिन। और इस तरह से टॉप 25 क्वेश्चन जो है वो पूरे हुए, और अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगा नए वीडियो नए क्वेश्चंस के साथ, नए जो कि बहुत सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना होती है। तो और अगर जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और धन्यवाद।